हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फरियाली कटलेट्स। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, हमने आलू के पराठे बनाए थे फरियाली। तो क्यों ना कटलेट्स बनाए जाए। तो फटाफट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं, पर उससे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स की ओर चलते हैं। तो फरियाली कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 1 कप राजगरे का आटा ले लेंगे। सिमिलरली हम 1 कप सिंघाड़े का आटा ले लेंगे। कटलेट्स के अंदर फिलिंग हम आलू की फिल करेंगे, तो उसके लिए मैंने 4 मैश आलू ले लिए हैं। उसके बाद हरा पेस्ट लिया है जिसमें धनिया, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट है। उसके बाद कटा हुआ हरा धनिया लेंगे, स्वादानुसार सेंधा नमक, चीनी, आधा चम्मच जीरा, 2 से 3 चुटकी हींग, आधा चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नींबू और तेल। तो फटाफट से इसकी रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने एक थाली ले ली है जिसमें हमने 1 कप राजगरे का आटा लिया है। उसके बाद हम इसमें सिंघाड़े का आटा लेंगे, वो भी 1 कप ही लेना है। स्वादानुसार नमक लेंगे, तो मैंने सेंधा नमक यहाँ पर यूज़ किया है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि आटा और नमक एक सार हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो रेडी करेंगे। तो डो हम रेडी करते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें मीडियम डो रेडी करना है। ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और आटे को थोड़ा सेट कर लेंगे। तो डो को हम 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे, तब तक हम स्टफिंग रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने एक कढ़ाई मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दी है। इसमें हम 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे, 2 से 3 चुटकी हींग डालेंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें हम हरा पेस्ट डालेंगे जो हमने हरी मिर्च, धनिया और अदरक का रेडी किया है। इसे यहाँ पर अभी मैं 3 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। गैस को हम लो फ्लेम पर ही रहने देंगे और इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले सेंधा नमक डाल देंगे इसमें, उसके बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप ध्यान रखिए, आपने हरी मिर्च भी डाली थी तो इस बात का ध्यान रखें आप। उसके बाद धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और मसाले जब तक तेल नहीं छोड़ने लगते तब तक हम इसे पकाएंगे। तो मसाले यहाँ पर पक चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें उबले हुए आलू डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखें, गैस को अभी हमें लो फ्लेम पर ही रहने देना है और इसे हम लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप गैस को मीडियम फ्लेम पर कर सकते हैं। आलू को हम अच्छे से दबाते हुए मिलाते जाएंगे ताकि इसमें एक भी गुठलिया ना रहे। थोड़ा सा मीठा फ्लेवर देने के लिए इसमें हम आधा चम्मच चीनी ऐड करेंगे और थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर देने के लिए इसमें हम नींबू निचोड़ेंगे। तो ज़्यादा नींबू नहीं डालना है, थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे और इसमें धनिया डाल देंगे, कटा हुआ हरा धनिया। और मिलाने के बाद ये बिल्कुल रेडी है, इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डो भी बिल्कुल रेडी है और स्टफिंग भी बिल्कुल रेडी है। अब हम इस फरियाली आटे से लोई बना लेंगे। लोई हम मीडियम साइज़ की बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है हमें। तो इस साइज़ की हम सारी लोई बनाकर रेडी कर लेंगे। मैंने लोई भी रेडी कर ली और स्टफिंग की बॉल भी बनाकर रेडी कर ली है। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में आलू के पराठे बनाए थे जब, तो हमने इस तरह की प्लास्टिक की शीट ली थी। उसी तरह से हम वापस से प्लास्टिक की शीट लेंगे और उसे तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। उस पर हम लोई रखेंगे और इसे हल्का सा बेल लेंगे, ताकि क्या होगा, जब हम इसे निकालेंगे तो वह आसानी से निकल जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, सिंघाड़े और राजगढ़े का जो आटा होता है वो जल्दी से टूटता है, उसकी वजह से रोटी या पराठे हम आसानी से नहीं बना पाते हैं। तो देख सकते हैं आप कितना इजीली बिल चुका है ये। अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्टफिंग की बॉल बनाकर रेडी करी है उसे हम इस पर रख लेंगे और इसे हल्का सा टिकिया की तरह दबा देंगे। और क्या करेंगे, इसकी जो लेयर है आटे की उसे इस तरह से पॉलीथीन की हेल्प से हम दबाते जाएंगे, फोल्ड करते जाएंगे थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम आसानी से इसे कटलेट का शेप दे सकते हैं, बिल्कुल टिकिया जैसा बनाना है हमें और ज़्यादा दबाना ही नहीं है, हल्के हल्के हाथों से हमें इसे बनाना है।
हल्का सा रोल करके हम इसे प्रॉपर शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर बन चुका है। इसी तरह से हम बाकी कटलेट्स को भी रेडी करेंगे। हम यहाँ पर कटलेट्स को शैलो फ्राई करेंगे, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा पैन में तेल रख लिया है और इसे गर्म कर लिया है। अब इसमें हम एक ही करके कटलेट्स को रखते जाएंगे। गैस को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखना है और इसे जब तक ये क्रिस्प नहीं हो जाते तब तक हम इसे पकाएंगे। तो देख सकते हैं आप, हल्के से ये नीचे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो मैं इन्हें टर्न कर लेती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे फरियाली कटलेट्स बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें पैन से बाहर निकाल लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। इसी तरह की नई वीडियोस की अपडेट के लिए आप हमें इस आईडी पर इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिस्टर्स रेसिपी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।